नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड। कोई भी किसी भी तरीके का टेट का एग्ज़ाम होता है या सी टेट का एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल टेट हो, वहाँ पे पेडागॉजी आपकी पूछी जाती है और हिंदी पेडागॉजी आपका जो है वो इसी आधार पर है। कहने का मतलब, ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको हिंदी पेडागॉजी का पूरा बेस मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर भाषा किस तरीके से आगे बढ़ती है, उसका शिक्षण किस तरीके से होता है। तो हम लोग यहाँ पे संपूर्ण भाषा शिक्षण का सिद्धांत लेके आए हुए हैं। आप किसी भी किताबों में ढूंढेंगे तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर में आपको मिलेगा। उससे अच्छा है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो पूरा टॉपिक है, मैं यहाँ पे 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और फिर बाद में आप जब किताब देखेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कुछ सिद्धांत हैं, जो लगभग 15-16 सिद्धांत हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे पहला है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का अर्थ क्या होता है हम लोग को, देखिए ट्रिक तरीका और याद करने का जो तरीका होता है, हमेशा हम लोग को शब्दों को पकड़ना चाहिए। जैसे अनुबंधन, अनुबंधन का मतलब आप इसको अगर विच्छेदित करिए, देखिए अनुबंधन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या करना, एकदम बंधना, मतलब सहचर्यता का नियम। इसको हम लोग सहचर्यता का नियम भी कह सकते हैं, इसी तरीके का सहचर्यता का नियम भी होता है। जैसे अगर कोई एक बालक है, अगर आप उससे बोल रहे हैं, उसको आप सिखा रहे हैं कि कलम होता है, ठीक है, अगर आप उसको कलम सिखा रहे हैं, लिखना पढ़ना, ठीक है, कहेंगे ये कलम होता है, अब आप उसको बताएंगे ना कि कलम होता क्या है, तो आप इसको बताओगे, जैसे ये मार्कर है तो बोलोगे इसको मार्कर कहते हैं, इसको कलम कहते हैं, ये है आपका एप्पल। जब आप छोटे बच्चों की किताबें देखते हैं तो उसमें ABCD जो लिखी रहती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसमें देखते होंगे पूरा चित्र बना रहता है, और जो चित्र वाली किताबें होती हैं उनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अनुबंधन का सिद्धांत यहीं पर कार्य करता है। दूसरा सिद्धांत हमारा है अनुकरण का सिद्धांत। बस हम लोगों को ओवरव्यू लेते हुए समझते चलना है, ध्यान से सुनते चलिएगा। अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण का सीधा सीधा मतलब आप यूं समझ सकते हैं, नकल करना, ठीक है। अनुकरण मतलब नकल करना या किसी का पालन करना, किसी को देख कर हम उसकी नकल उतारते हैं, उसका हम लोग पालन करते हैं, उसकी बिहेवियर को देखते हैं, नोटिस करते हैं और उसको अपने अंदर ढालने का प्रयास करते हैं। जैसे अनुकरण का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हमारा क्या हो गया, जो छोटा बालक होता है, अब आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अलग अलग भाषाएं बोल लेते हैं। जो आप लोग टैक्सी ड्राइवर्स को देखते होंगे, जो अगर कभी बाहर गए हों तो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर होता है, 3-3, 4-4 भाषाएं सीखे होता है, उसको 3-4 भाषाएं आती है, तो कैसे आती है, वो अनुकरण करते हुए, लोगों को देखता है, बोलते हुए सुनता है, तो क्या करता है, उसको उसका अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है। तो हो जाता है अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कोई भी बालक होता है तो किसी भी चीज़ को, किसी भी अपने परिवारजनों को देखते हुए उनकी भाषा का अर्जन करता है। दूसरी बात, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला है हमारा क्रियाशीलता। देखिए, यह विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में भी लाई जाती है। क्रियाशीलता, जैसे कि नाम पर ही आपका क्रियाशीलता, मतलब एक्टिविटी मतलब समझ रहे ना, जैसे स्कूलों में आप देखते होंगे बच्चों से एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, शनिवार है तो वहाँ पे आपका संवाद रख दिया जाता है, आपसे भाषा बुलवाया जाता है, आपसे भाषण बुलवाया जाता है, ठीक है, क्लास में अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होता है, उससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होता है, उसका जो सिद्धांत होता है उससे आपकी जो भाषा होती है उस पर ज़्यादा पकड़ होती है। जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता रखा दी गई, ठीक है, बच्चों से भाषण देने को कहा दिया गया, निबंध वाचन करने को कहा गया, तो इस तरीके की जो क्रियाकलाप है उससे बच्चों को मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी पैदा होता है, कॉम्पिटिशन की भावना भी पैदा होती है और बच्चे जल्दी सीखते भी हैं। अगला सिद्धांत हमारा है अभिप्रेरणा एवं रुचि। देखिए, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत किस तरीके से होता है इसको समझिए। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, किसी से हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले, किसी से हम प्रेरित हों या हमारी जो इंटरेस्ट हो। अब जैसे कि बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है अनेक भाषाएं सीखने का, जैसे किसी को कोरियन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, सभी लैंग्वेज आती हैं, काफ़ी लैंग्वेज आती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सही से हिंदी भी नहीं आती ढंग से, है ना,
तो वो रुचि के ऊपर होता है और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी होता है कि देखो सामने वाले को इतना आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो अनेक प्रकार की जो चीज़ें होती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, जो बालक को भाषा सिखाता है, उसको ये देखना चाहिए कि बालक की रुचि जो है वह किस तरफ है और उसको किस सिद्धांत के द्वारा हम पढ़ाएँ, किस तरीके से पढ़ाएँ कि उसकी रुचि जो है वह वहाँ पर बरकरार हो और वह भाषा को अच्छे और उचित तरीके से सीख पाए। अभ्यास का सिद्धांत अगला है हमारा, अभ्यास का सिद्धांत। सभी ने कहा है, थांडाइक भी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, भाषा एक कौशल है जिसका बार बार हम अभ्यास करेंगे तो वो हमारा और भी ज़्यादा निखर के आगे आएगा। तो देखिए अभ्यास का सिद्धांत का मतलब हो गया जो आपने भाषा कौशल, ठीक है, जितनी भाषा कौशल कितने होते हैं 4, ठीक है, तो सभी भाषा कौशल का आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका भाषा जो है निखर के आएगा, इसको बोलते हैं अभ्यास का सिद्धांत। अगला देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका मैं लास्ट में बताऊँगा पूरा ओवर समरी कि इसका किस तरीके से आपके परीक्षाओं में प्रयोग होगा, ठीक है। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह है क्या चीज़, तो ध्यान से बस सुनते चलिए पेशेंस के साथ। जीवन समन्वय का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत का मतलब हो गया कि देखिए अगर हम आपकी ही बात करें तो, या मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैक्सिमम मैंने उदाहरण जो लिए हैं वो आपके जीवन से संबंधित लिए हैं, है ना। तो देखिए जीवन संबंधित मतलब कि जो चीज़ें आपके आस पास की होती हैं उनमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके यहाँ भूकंप आया सपोज़ कीजिए, ठीक है, तो आप भूकंप के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर अभी भूकंप आ गया तो आप न्यूज़ देखेंगे, उसमें पता करेंगे कि कितने स्पीड थी, कितने रिक्टर स्केल पे आया हुआ है, कहाँ कहाँ तबाही मची है, ना। तो कहने का मतलब जहाँ पे रुचि है उसके विषय में जानकारी इकट्ठा ज़्यादा होती है, तो वो जीवन समन्वय का सिद्धांत उसके तरीके से। उसी तरीके से हमारी जो भाषाएँ होती है, जैसे अगल बगल वाला, जैसे सामने वाला हमारा इंग्लिश बोल रहा है तो हमको भी उससे बात करनी है, तो उस तरीके से तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जीवन का जो जीवन समन्वय, जो हमारी हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम एक दूसरे से वो संबंधित करते हैं। अगला हमारा है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री। देखिए भाषा सीखने का केवल एक उद्देश्य तो होता नहीं है, क्योंकि भाषा जो होती है वो बहुआयामी होती है। कहने का मतलब भाषा का प्रयोग हम लोग गणित में भी करते हैं, अंग्रेजी में भी करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं, और उसी भाषा का प्रयोग हम लोग विज्ञान के लिए भी करते हैं। अगर विज्ञान कोई पढ़ रहा है बालक तो बिना भाषा के ज्ञान के विज्ञान नहीं पढ़ पाता। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि भाषा जो है कंपलसरी होती है, आप लोग की परीक्षाओं में भी भाषा जो है कंपलसरी होती ही है, तो भाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या क्या है, जैसे एक तो ज्ञान अर्जन हो गया, उसकी उसका इंटरेस्ट पैदा करना, रुचि डेवलपमेंट, उसकी अभिवृत्ति डेवलपमेंट करना, तो अनेक तरीके के जो होते हैं उद्देश्य। तो उसमें से जो बालक है उसका एक मेन उद्देश्य क्या है, जो टीचर को चाहिए कि वो बालक को किस तरीके से पढ़ाया जाए, जो उसका वो जो एक मुख्य उद्देश्य है, जो उसका निश्चित उद्देश्य है वह पूरा हो जाए और उसी पाठ्य सामग्री का वो क्या करे, प्रयोग करे, मतलब कि किस तरीके से कौन सी पाठ्य सामग्री उसके लिए उचित रहेगी, ठीक है। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता। देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है, जैसे कि आप कक्षाओं में देखते होंगे या आपके भी दोस्त होंगे या आप होंगे, आपने भी अनेक कक्षाएं ली होंगी तभी आप तक आप आ चाहे हैं। तो देखिए तो व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब होता है कि एक क्लास में जैसे 50 बच्चे बैठे हैं तो सभी का IQ लेवल आपका बराबर नहीं होता, कोई मंद बुद्धि होगा, कोई तेज़ होगा, ठीक है, कोई बहुआयामी प्रतिभा वाला होगा, ठीक है। तो अनेक अनेक तरीके से क्या होते हैं जो बालक होते हैं वहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, सृजनात्मक है ना, तो सभी का अपना अपना दिमाग है। तो वहाँ पे जो अध्यापक है उसको समझना पड़ेगा कि किस बालक को किस तरीके से पढ़ाया जाए, जो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसका IQ लेवल थोड़ा कम है, सामान्य बालक से थोड़ा सा कम है, तो उसको उसके तरीके से पढ़ाना है। अब उसको छोड़ तो देंगे नहीं, उसको भी पढ़ाना है, तो उसको अपने तरीके से वहाँ पे टीचर को चाहिए कि यहाँ पर इस सिद्धांत का पालन करे, ठीक है। अगला है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या होता है आपका, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो कौशल आपके जो भाषा कौशल है, आपके 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 तरीके के आपके भाषा कौशल होते हैं, है ना। तो इन 4 भाषा कौशलों में अगर कोई भी एक, जैसे कि बालक है सुनना तो अच्छा जानता है लेकिन बोल नहीं पाता तो उसका विकार है, वो चीज़ सुन लेता है, बोल लेता है, पढ़ नहीं पाता, दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा, सुन लेता है, बोल लेता है, पढ़ भी लेता है लेकिन लिख नहीं पाता, तो भी वहाँ पर गड़बड़ होगा। यानी सभी का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि उसकी जो भाषा है पूरी तरीके से कंप्लीट है, मतलब वो बोलना भी सीखे, सुनना भी जाने, समझना भी जाने और लिख भी ले और पढ़ भी ले। बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित सिद्धांत क्या होता है इसको समझ लेते हैं।
बाल केंद्रित सिद्धांत आपका ये होता है कि जैसे कोई एक बालक है, वही चीज़ जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया व्यक्तित्व भिन्नता में, अगर कोई सृजनात्मक बालक है तो उसको उसके कौशल के अनुसार क्या करना है, पढ़ाने का कार्य करना चाहिए कि किस किस तरीके से वो बालक जो है पढ़ना चाहेगा, किस तरीके से वो पढ़ रहा है, या उसको कौन सा और भी उसकी पाठ्य सामग्री में किस तरीके से बदलाव किया जाए कि वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अगला देखिए शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। देखिए शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत क्या होता है, अनेक प्रकार के सिद्धांत शिक्षण सूत्र, जैसे आपका आप लोग जानते हैं सरल से कठिन की ओर, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो अनेक प्रकार के आपके आगमन विधि, निगमन विधि, जो इतने भी आपके शिक्षण सूत्र होते हैं उनसे भी पढ़ाया जाता है, ये सारे सिद्धांत आपके इसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत के अंतर्गत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, देखिए आवृत्ति का सिद्धांत आपका होता है कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ कोई बालक है या आप ही हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आप लोग पूछते हैं कि सर चीज़ों को याद कैसे रखें, भूल जाते हैं ना, आप लोग के साथ भी समस्या आती है, तो इस सिद्धांत का पालन करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब अपना एक निश्चित एक अनुपातिक रूप से आप उसकी आवृत्ति करते जाइए, रिविज़न कराते जाइए, ठीक है, सस्वर वाचन कराइए, ठीक है। सस्वर वाचन मतलब आप लोग तो नहीं करेंगे, छोटे बच्चों की बात होगी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सस्वर वाचन होता है वहाँ पर, साथ में बोला जाता है ना क्लासेस में। बोलचाल का सिद्धांत क्या होता है, देखिए देखिए सभी का मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। बोलचाल का सिद्धांत क्या होता है, अगर जैसे दो चार लोग हैं, चार लोगों का सपोज करिए ग्रुप बना है, और आप लोग आपस में क्या करिए, बात करिए, आप लोग नहीं जो बच्चे हैं बालक हैं उनसे आप बातचीत करवाइए, संवाद करवाइए, वाद विवाद प्रतियोगिता रखवाइए, तो उससे भी उनके भाषा कौशल में विकास होगा और वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगला है हमारा चयन का सिद्धांत। अब चयन का सिद्धांत क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपने इतनी ढेर सारी जो आपने सिद्धांत पढ़े हैं, तो आप अगर एज अ टीचर हैं तो आपको बालक के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करना है, वहाँ पर ये बात करता है चयन का सिद्धांत, मतलब कि आपको एक स्पेशल सिद्धांत और एक स्पेशल शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके आपको बालक को पढ़ाना है, वहाँ पर आपका चयन का सिद्धांत कार्य करता है। अगला है परिपक्वता का सिद्धांत। ये क्या होता है, परिपक्वता का मतलब जो होता है एकदम पूरी तरीके से मैच्योर हो जाना। जब बालक के जितने आपके उनके स्वर तंत्र होते हैं, स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जैसे कंठ, तालु, जीवा, है ना, दंत, ओष्ठ, ये सारे जब होते हैं, ये सारे जब एकदम पूरी तरीके से मजबूत होंगे, बोलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, तो वहाँ पर बालक जो होता है एक, ठीक है, सार्वभौमिक रूप से विकास करेगा, ठीक है, समावेशी विकास करेगा भाषा के क्षेत्र में, तो उसका यहाँ पे परिपक्वता का सिद्धांत आपका लागू होता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है चाम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने, इनका कहना यह है कि जो छोटा सा बालक होता है वो क्या करता है कि कुछ निश्चित संख्या के शब्दों का, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कुछ निश्चित संख्या के शब्दों का से लेके वो कुछ एक निश्चित नियम बनाता है, और उन्हीं नियमों के आधार पर वह क्या करता है, खुद से वाक्य निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। इसको वो जेनेरिक कहते हैं, ठीक है, जेनेरेटिव इन्होंने सिद्धांत दिया है, जेनेरेटिव अर्जन का सिद्धांत उसको इन्होंने उसका नाम दिया हुआ है, तो ये कहा जाता है, कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, खैर उसके विषय में उनको नहीं जानना है, अभी हम लोग इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इतने टोटल शिक्षण सिद्धांत हैं, ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो आपके पूरे हिंदी पेडागॉजी में पूछे जाते हैं। अब आपको देखिए, अब जब आप इन सभी के विषय में जानते हैं, तो अब यहाँ पे आपका प्रश्न जो होगा इन्हीं से अंदर में पूछेगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इसका अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, आपका अंदर जाएगा, आपको एक कंडीशन देगा, एक केस देगा कि एक बालक मंदबुद्धि का है या सृजनात्मक बालक है, तो आप उसको उसके भाषा विकास के लिए क्या करेंगे, या ये कहेगा कि एक बालक है जो जो बोलना जानता है, सुनना जानता है, पढ़ना जानता है, लेकिन लिखना नहीं जानता, ठीक है, तो आप किस तरीके से उसका फॉलो करेंगे, उसका विकास करेंगे, उसको आप भाषा सिखाएंगे या उसको छोड़ देंगे, कंडीशंस देगा, ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपकी पेडागॉजी में। तो ये हिंदी पेडागॉजी का पूरा बेस यहीं से बनता है, इसी का आधार है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए जो जो पेडागॉजी नहीं जानता है, पढ़ना जानता है या पढ़ने की शुरुआत कर रहा है, ठीक है, इससे शुरुआत जरूर करिए और फिर किताब उठाइए और सभी के बारे में अब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी ये इनफ है, लेकिन ये आपका बहुत ही आधार बना देगा ये वीडियो, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, और आगे आपको हिंदी पेडागॉजी के और सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए तो कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा।
दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। इतना मेरे लिए काम कर ही सकते हैं। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाना है, सर्च करना है MS SSC Notes यानी हमारे चैनल का नाम, और आप वहाँ पर हमें पा सकते हैं, फॉलो और लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।